नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है जाइलोरिक 100 टैबलेट। जाइलोरिक 100 टैबलेट ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है और ये इंडिया में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी टैबलेट है। इसका जो जेनेरिक नाम है वो है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल एक प्रकार का मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल यूरिक एसिड को कम करने के लिए किया जाता है, और ख़ास तौर से जो डॉक्टर्स हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं गॉट नामक बीमारी में। गॉट एक प्रकार की बीमारी है जिसको गठिया या बात या संधिवात कहते हैं। गॉट की जो बीमारी होती है उसमें जो हमारे जोड़ है, चाहे हाथ का जोड़ हो चाहे पैरों का जोड़ हो, और जो खास तौर से पैर का जो अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट होता है उसमें सूजन आ जाता है और बहुत दर्द होने लगता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दर्द इतना अचानक से होने लगता है एकदम से, कि ऐसा लगता है कि पैरों में आग सी लग गई है, पैर तपने लगता है एकदम से, लाल हो जाता है और सूज भी जाता है। तो ये किस कारण से होता है? जब हमारे जॉइंट के चारों ओर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि यूरिक एसिड हमारे जॉइंट के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है? जैसे हमारे बॉडी में और तत्व बनते हैं वैसे ही यूरिक एसिड बनता है हमारे शरीर में, और हमारा जो किडनी है वो हमारे बॉडी से यूरिक एसिड को नियमित रूप से बाहर निकालता रहता है, छानता रहता है, उसको फिल्टर करता रहता है। लेकिन जब हमारा किडनी यूरिक एसिड को संपूर्ण मात्रा में या पूर्ण रूप से बॉडी से बाहर निकालने में असमर्थ होता है, कुछ मात्रा रह जाता है बॉडी में, पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो कर पाता है, तो उस समय जो यूरिक एसिड है वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, और वही यूरिक एसिड जोड़ों में दर्द पैदा करता है और भी कई सारी बीमारियाँ पैदा करती है, कई सारी परेशानियाँ उत्पन्न करती है। तो जो मेन जो परेशानी उत्पन्न करती है वो गॉट या गठिया है, और गठिया में यूरिक एसिड का कंट्रोल करने से गठिया की बीमारी खुद ब खुद सही हो जाता है, और भविष्य में इसका होने का जो खतरा है, बढ़ने का जो खतरा है, वो भी कम हो जाता है। जाइलोरिक 100 टैबलेट का इस्तेमाल कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। इसका 100 mg का एक टैबलेट सुबह शाम दो टाइम लेना चाहिए, और अगर इसको लंबे समय तक लेना है आपको तो डॉक्टर की परामर्श से ही लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का लक्षण और बीमारी की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। बीमारी की तीव्रता अधिक होने पर इसका ज़्यादा mg वाला टैबलेट देना चाहिए, और कितने बार देना चाहिए वो आपका डॉक्टर ही ये निश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टैबलेट है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसको ठीक प्रकार से ना लेने से या शुरुआत में इससे आपकी बॉडी में सुन्नपन रह सकता है, स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और कमजोरी आपको अनुभूति हो सकती है। तो ये कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा कुछ परेशानी आपको हो रही है तो इसको लेना बंद कर दीजिए या अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जाइलोरिक 100 टैबलेट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी आपको दिया है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारे वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पर प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।